Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि last episode में हम लोगों ने अपना सारा पैसा लगा के Los Santos की सबसे महंगी और सबसे तगड़े कार शोरूम को परचेज कर लिया था, वो भी रेंट पे. बट प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि उस डीलरशिप में कस्टमर्स तो तब आएंगे ना जब उसमें गाड़ियाँ होंगी. मतलब हमारे पास गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं था, पूरा का पूरा शोरूम खाली पड़ा हुआ था. तो इसलिए हमने स्टार्टिंग करी रिपेयरिंग बिजनेस से. हम लोगों के घर पर जाके उनकी ख़राब गाड़ियाँ लाएँ और बेनी से रिपेयर करवाने का काम स्टार्ट कर दिया. पर प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ से भी ज़्यादा पैसा आने के चांसेस नहीं थे, इसलिए मैं गया एक कार ऑक्शन में एक सस्ती रेयर कार खरीदने के लिए. और वहाँ पर मुझे मिल गई बहुत महंगी फरारी. वो मैं नहीं खरीद पाया, किसी और ने खरीदी, बट मैंने उससे वो गाड़ी चुरा ली. और उस गाड़ी को चुराने के बाद मेरे पीछे बहुत पुलिस पड़ी, बट जैसे तैसे मैं उनसे बच कर आया और उस गाड़ी को लेकर आ गया मैं अपने घर पे. तो ये है गाइस वो फरारी SF90. ये बहुत ज़्यादा रेयर कार है, बट इस कार को अपने घर में इस तरीके से रखना बहुत डेंजरस मामला है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि ये वही कार है तो वो मेरे को पकड़ कर जेल ले जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी ही जेल से छूट कर आया हूँ. भाई तभी इस कार का ना पहले कलर रेड था, मैंने इसको येलो करवा दिया है ताकि किसी को जल्दी पहचान में ना आए. बाकी आज बहुत सारे काम है, मतलब जो अपना नया डीलरशिप खुला है मैं सोच रहा हूँ उस पर ना जिमी को भी अपने साथ रख ले काम करने के लिए. तो उसको आज लेकर जाना है शोरूम में, बट वो हमसे बोल रहा है कि भाई वो शोरूम में तभी जाएगा जब हम उसको पहले एक नया गेमिंग पीसी दिलाएंगे. तो ठीक है, पहले उसको गेमिंग पीसी दिलाते हैं, वो बिजनेस में हमारा साथ देगा. और वेट, यहाँ पर भाई रील बन रही है. भाई एक सेकेंड यार, मेरे को अब रास्ता भी चेंज करना पड़ेगा. इतना मतलब बड़ा घर हो गया है फिर भी एक छोटी सी जगह मिली है रील बनाने के लिए. बाकी ठीक है, अभी जल्दी से चल के जूस पीते हैं, जिमी को बुलाते हैं और साथ में चलते हैं पहले उसे एक गेमिंग पीसी दिलाने. फिलहाल आज मेरा जूस पीने का मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने फ्रिज से सोडा निकाल लिया है. मतलब हेल्थ के लिए तो यार ये अपना ग्रीन जूस ही सही होता है, बट कभी कभार यार टेस्ट को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए. बाकी हाँ, मैं बात कर रहा था जिमी की कि जिमी हमारे साथ बिजनेस तभी करेगा, मतलब डीलरशिप पे तभी काम करेगा चल के जब हम उसे एक अच्छा सा गेमिंग पीसी दिलवाएंगे. तो भी फटाफट से जिमी को बुलाते हैं और चलते हैं साथ में. बाकी उसका रूम इस टाइम पर यार बिल्कुल खाली हो चुका है. पहले इतने सारे गेमिंग के सामान पड़े रहते थे यहाँ पर, बट अभी बेचारे के पास पुराना वाला पीसी भी चला गया. एक स्टडी टेबल है वो भी एकदम छोटा सा, उसके ऊपर लैपटॉप तक रखने की ढंग की जगह नहीं है. बाकी जिमी है कहाँ पर यार? इस वाले रूम में तो नहीं है. ये तो ट्रेसी का रूम है. एक सेकेंड में एक बार ये टॉयलेट चेक कर लेता हूँ इसके अंदर. ओ वेट, ये तो भाई साहब टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ है. क्या ठीक है यार, शायद ये भी थोड़ा बहुत टाइम लगाने वाला है, तो हम लोग चल कर वेट कर लेते हैं. बाय द वे, आप लोग को तो पता ही होगा कि अपना घर काफ़ी गंदा हो गया था, तो रिसेंटली मैंने क्लीनिंग कंपनी को बुला के पूरी साफ सफाई करवाई, लेकिन वो लोग हमारा बेड भी लेकर चले गए. कह रहे एकदम कूड़ा बेड ख़राब हो चुका है, नया ले लो. तो अब सेम टू सेम कुछ वैसे ही बेड मैं खरीद के लाऊंगा बाद में. फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है और हमें बैठना भी नहीं है क्योंकि जिमी आ चुका है. आज भाई बहुत जल्दी निकल कर आ गया, वरना ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देता है. और फ़ोन चला रहा है, भैंस की टांग, गेमिंग पीसी भी चाहिए, फ़ोन भी चलाना है इसको पूरे टाइम. बाकी ठीक है, अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं एक गेमिंग शॉप पे. बट एक सेकेंड, मेरे को तो यार कोई गेमिंग शॉप पता भी नहीं है अपने लॉस सैंटोस में. मैं कार शोरूम गया हूँ और कपड़ों की दुकानों पर गया हूँ, बट गेमिंग शॉप मुझे नहीं मालूम. क्या ठीक है, जिमी को काफ़ी सारे एड्रेस पता होंगे उस टाइप के स्टोर के, ये हमें बताएगा. बाकी जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में. और हैरान हो गया भाई ये गाड़ी को देख के, भाई गैराज में 3 दिन से खड़ी है ये, आज पहली बार आकर देख रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही आलसी है, तो नीचे भी नहीं उतर कर आता अपने ही घर में. बाकी ठीक है, कार बहुत ज़्यादा मस्त है और मुझे थोड़ा बहुत ना डर लग रहा है इसे शहर में निकालते हुए, क्योंकि एक डर तो ये भी है कि यहाँ कोई थोड़ी बहुत ठुक ठुक आना चाहिए, एकदम साफ रहनी चाहिए. और दूसरा डर मुझे ये है कि गाड़ी आखिर चोरी की है, तो अगर पुलिस वगैरह इसकी तलाश कर रही होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है. बाकी एक बार लुक देखो भाई, इस गाड़ी को चलाने का और घर से बाहर निकालने में भी ना एक अलग ही नेक्स्ट लेवल फील्स है भाई. ये देखो पूरा रास्ता, एक रास्ते खाली गए यार. आज मेरा धीरे चलाने का मन है तो रास्ते खाली है, तेज़ चलाने का मन होता तो पूरा ट्रैफिक लगा होता है. बट ठीक है, रास्ता खाली तो थोड़ी बहुत तो स्पीड में बढ़ाऊंगा ही, बट रुक जाओ एक मस्त एंगल आने दो, लेट्स गो. ओए वेट, ठुक ना जा भाई, आराम से ही चलाते हैं यार, थोड़ा बहुत डर लग रहा है. बाकी अभी जिमी से लोकेशन लेते हैं और फटाफट से चलते हैं गेमिंग शॉप पे एक बढ़िया गेमिंग पीसी दिलाने के लिए, वरना ये बिजनेस में हमारा साथ नहीं देगा. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ गेमिंग स्टोर पे, जहाँ से हमें जिमी के लिए न्यू गेमिंग पीसी परचेज करना है. तो फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं यार लेफ्ट साइड में. भाई ये क्या घटिया से एरिया में मैं कितनी ज़्यादा मस्त कार लेकर आया हूँ, बट एक सेकेंड, यहाँ पर यार पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है.
मेरे को यहीं पर लगानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था एकदम सेंटर में लगाऊंगा, बट ठीक है, ये जगह भी इतनी बुरी नहीं है। फटाफट बाहर निकलते हैं और जल्दी से चलते हैं इस घटिया शॉप पे। मैं एक बारी पहले भी यहाँ पर आया था, मेरा फ़ोन किसी ने हैक कर लिया था, मतलब यहीं के बंदे ने, यहीं से मैंने फ़ोन ख़रीदा। इन्होंने एक ऐसा फ़ोन भेजा जिसमें ऑलरेडी वायरस वगैरह डले हुए थे। बाकी ठीक है, मैं वापस आ चुका हूँ शॉप में काफ़ी टाइम बाद। अब देखते हैं यहाँ पर, भाई मेरे को लग नहीं रहा कोई भी पीसी ठीक मिलने वाला है। देख रहे हो ऐसे पुराने खट्टारा घटिया घटिया पीसी पड़े हैं। बाकी यहाँ पर तो कुछ ठीक है, जिमी को देखने देते हैं वो। ओ तेरी भाई से भी तो सीधा सबसे महंगे वाला पीसी देख रहा है। मैं सोच रहा था सेकंड हैंड वगैरह कुछ खरीदेगा, बट ठीक है यार, अभी इसको जो सा पसंद आता वही दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ओ अचानक से क्यों खुश हो जाता है भाई ये इतना ज़्यादा। बाकी यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ सस्ता सा कोई लैपटॉप वैपटॉप पड़ा हुआ है 1-2 GB रैम का, ये ले ले तो बढ़िया रहेगा, थोड़े पैसे वैसे भी बच जाएंगे। लाल मेरे को कोई मतलब नहीं, अभी जो उसको पसंद आता है वही ये लेगा। फ़ोन में भी चेक कर रहा है, सब चेक कर ले भाई, ठीक है, ये भी और चीज़ें चेक करने गया है। बाकी मैं इससे कुछ रेट वगैरह पता करता हूँ। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल जिमी ने पीसी पसंद कर लिया है, बट मैं इसको कह रहा हूँ कि पेमेंट करने से पहले ना हम लोग कुछ उस टाइप के और भी पीसी को चेक कर लेते हैं कि वो कैसे चलते हैं। तो ये जो शॉपकीपर है कह रहा है यहाँ से बस ऊपर चले जाओ, बहुत सारे पीसी लगे हुए हैं, सबको टेस्ट कर लो और फिर जो पसंद आए ले लेना। क्या ठीक है, जिमी को तो मेनली यार गेम्स खेलने हैं, और गेम खेलने के लिए एक तगड़ा पीसी होना चाहिए जिसमें सारी गेम चल जाए। लेट्स गो। बाकी ये जो शॉप है भाई सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, नीचे इतनी छोटी है और ऊपर पूरा साइबर कैफे बना रखा है भाई। इतने सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लैपटॉप ही लैपटॉप भर भर के। ये भाई सब जी भी लग रहा है कुछ लेने आए हैं और इनको शायद समझ नहीं आ रहा, इनका दिमाग ही नहीं चल रहा है। बाकी ठीक है, जिमी शायद कुछ इस टाइप का पीसी लेना चाह रहा है। खैर ठीक है यार, अभी जिमी तो अपना पीसी चेक कर रहा है, बाकी ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आया। ये यहाँ पर एकेट गेम खेलने के लिए आया है, लेकिन भाई साहब जी मशीन पे लाते मार रहे हैं भाई। इंसर्ट कॉइन, कॉइन डालना होता है इसमें, उस पर लाते चलाया जा रहा है, अलग ही पागल बंदा है। क्या ठीक है, शायद जिमी अभी क्या कन्फ्यूज है क्या भैया, नहीं लेना तो बताओ। चलो ठीक है यार, अभी चलते हैं नीचे, शायद जिमी को यही वाला पीसी चाहिए। फटाफट से चल के ना पेमेंट करते हैं और भैया काम पे निकलते हैं, वरना आज का पूरा दिन यूं ही चले जाएगा और हम लोग अपने शोरूम वाले बिजनेस को लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें काम पे ज़्यादा फोकस रखना है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो फटाफट से चल के जो पीसी इसको पसंद आ रहा है उसकी पेमेंट करते हैं और निकलते हैं वापस यहाँ से। ऑल डन। तो मैंने सारी पेमेंट्स करके जिमी के लिए पीसी परचेस कर लिया और देख रहे हो कितना ज़्यादा खुश हो गए। बाकी ठीक है यार, अभी फटाफट से ना हम लोग निकलते हैं अपने शोरूम के लिए, क्योंकि ये जो डब्बा है इसको मैं अपनी गाड़ी में तो रख नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी भले ही बहुत महंगी है बट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है इस कार में सामान रखने के लिए। तो जिमी को मैंने बोल दिया अपना वो कैब करा के घर चले जाएगा, हम लोग फटाफट से गाड़ी में चलते हैं शोरूम पे। बाकी आज से जिमी जो है अपना साथ नहीं आने वाला काम पे, वो कल से आएगा। आज तो भाई नया पीसी खरीदा भाई बंदा, पूरे दिन घर पे बैठ के गेम खेलेगा। बाकी ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से चलते हैं। बेनी बुला रहा है क्योंकि जो कार हम लोग लेकर आए थे रिपेयर करने के लिए, उन कार को हमें वापस डिलीवर करने भी जाना है, और उनमें से एक कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है, शायद उसका कोई पार्ट नहीं मिल रहा, तो वो भी हमें लेने जाना पड़ेगा। बाकी यार जो भी है, मुझे तो इन सब कामों में फुल मजा आता है, तो फटाफट से गाड़ी को भगाते हुए चलते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है अपना शोरूम, बट कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। अपने पास सुपर फास्ट कार है जिसको मुझे थोड़ा बहुत संभाल के चलाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठुकी टूटी तो उतना तो कमा नहीं रहे जितना हमारा नुकसान हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी फरारी SF90 लेकर पहुंचने वाला हूं अपनी लग्जरी डीलरशिप पे। बट एक सेकंड भाई, यहां पर थोड़ा गलत लेवल ट्रैफिक रहता है और रोड भी अच्छे नहीं है, तो गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं। बाय द वे गाइस, ये अपना न्यू शोरूम, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लो। खैर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बाहर से देखने में, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट ये ब्लैक कलर की बिल्डिंग कौन बनाता है मुझे नहीं पता। बाकी अंदर से चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मस्त है। फिलहाल गाड़ियाँ नहीं है और अपनी कार को मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, नहीं यार ये जगह मेरे को बिल्कुल सेफ नहीं लग रही, चुपचाप से चल के ना पीछे से पार्क करते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्पेस है अपने पास, ये देखो इतनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है ना हमारे शोरूम के लिए, कि मतलब अगर एक बार को 100 गाड़ियाँ भी आ गई ना भाई रिपेयर होने, तो हम सब कार को अलग से एकदम आराम से खड़े कर सकते हैं, बिल्कुल भीड़ ही नहीं मचने वाले। फिलहाल अभी अपनी कार को यहाँ पर खड़ा करते हैं, एकदम खाली पड़ा हुआ है अंदर से भी बाहर से भी, पता नहीं कब आएंगे हमारे अच्छे दिन और कब आएंगे ढेर सारे कस्टमर्स हमारे शोरूम में गाड़ियाँ खरीदने बेचने रिपेयर करवाने। फिलहाल ये भाई सब आ रखे हैं रेंज रोवर खरीदने। भाई एक सेकंड आप शक्ल दिखाना, पहली बात तो ये गाड़ी बिकनी नहीं है, ये किसी और से हमने मांग के खड़ी कर रखी है, चले जाओ चुपचाप यहाँ से वापस। ये बस मेरे को पता है देखने आया टाइम पास करके, एक सेल्फी खींच के इंस्टा पे डाल देगा और चले जाएगा। बाकी अभी हम लोग चलते हैं बेनी के पास, बात करते हैं इससे कि कौन सी गाड़ी इसने रिपेयर करी है और हमें किसको डिलीवर कर करानी है।
वैसे लास्ट टाइम ये दो कार्स आई थी और यही दो हैं, और बेनी को उस कार में प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई पार्ट वगैरह होगा जो नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये रिपेयर हो चुकी है, एसवीजे वॉश होने आई थी वैसे और इसके टायर चेंज करने थे जो कि कर दिए हैं। तो फिर ठीक है, फटाफट से इसको हम लोग ट्रक में लोड करवाते हैं और लेकर चलते हैं। भाई ये बहुत अमीर बंदे की, उसको देकर आनी है, बहुत अच्छा खासा हमें पैसा मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को वॉश करा था और टायर चेंज करे थे, और वेट शायद से कोई नया कस्टमर आया। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले आप भाई, ये सब काम तो चलता रहेगा, पहले इनसे बात करते हैं। और ये मेरे को किसी का बॉडी गार्ड लग रहा है भाई। हेलो, अरे अरे मैं वो इसका मालिक, ये सीधा बेनी पे क्यों जा रहा है? इसको शायद पता ही नहीं है कि इस डीलरशिप का ऑनर कौन है। मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनल बंदा लग रहा हूँ इसलिए। अरे मैं स्कीडा, इसने थप्पड़ी मार दिया बेनी के। भाई एक सेकंड, क्या सीन है भाई इसका, एक मैं इससे बात करता हूँ। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो चुकी है। तो ये जिस बंदे की गाड़ी है ना, ये उसका बॉडी गार्ड है। तो ये कह रहा है भैया 4 दिन हो गए हैं और गाड़ी अभी तक रिपेयर होकर नहीं मिली है। खैर इसमें बैनी की भी गलती नहीं है, बेचारा ये तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है, बट गाड़ी का एक्सीडेंट ही इतनी ज़्यादा बुरी तरह हुआ था कि यार रिपेयर करने में टाइम तो लगता ही है। बाकी मैंने इसको बोल दिया कि बस 1 दिन का टाइम और चाहिए, हम लोग इस गाड़ी को ठीक करके दे देंगे। फिलहाल हाँ, अभी ये जो लैम्बोर्गिनी एसवीजे है, मुझे इसको इस ट्रक में लोड करवाना है। तो फटाफट से ट्रक को हम लोग साइड लेकर चलते हैं। ये तो जा रहा है, इसने हमें 1 दिन का टाइम और दिया है, अदरवाइज ये कह रहा है कि गाड़ी लेकर चले जाएगा और पैसे भी नहीं देगा। तो आधी तो हम लोग रिपेयर कर चुके हैं यार, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इसकी गाड़ी को जल्दी से रिपेयर करेंगे। फिलहाल ट्रक को मैं पीछे करके, अरे ये को, अरे ओ भाई ये कौन है भाई, इतनी खच्चाड़ा गाड़ी लेके तेरी भैंस की बाहर निकल है भाई, ये क्या लेकर आया है, ये नहीं रिपेयर होगी। चल एक सेकंड, नहीं यार थोड़ा भोला सा बंदा लग रहा है। ठीक है यार अभी करवा देते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यार पैसों की। अगर मतलब $100-500 भी आए तो अभी वो भी चलेगा। अरे बैनी भाई काम कर ले, ये देखना इसको, वो गया है और ये फिर टाइम पास करने लग गया बैनी। बाकी ठीक है, ऐसे करने दो टाइम पास। हम लोग का जो काम है हम फटाफट से वो निपटाते हैं, एसवीजे को लोड करवाते हैं इस वाली गाड़ी में। और फिट भाई ये तो इस टाइम पर फुल स्पोर्ट्स मोड पे हो रखी है भाई, अचानक से भागने को हो रही है, बिल्कुल प्यार से मुझे इसे लोड करवाना है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने लैम्बोर्गिनी एसवीजे को इस ट्रक के ऊपर लोड करवा दिया है, और फटाफट से बैठते हैं ट्रक में और जल्दी से डिलीवर कर आते हैं इस कार को उस बंदे के पास। वैसे यार उसने काफ़ी अच्छे खासे पैसे देने की बात करी थी, अगर उतने पैसे मिल जाएँ तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और भाई गाड़ी नहीं रिपेयर करवाने का यार, कहाँ जा रहा है ये, एक सेकेंड, शायद ये गाड़ी लेकर जा रहा है सीधा वहाँ पर। दरवाजा दरवाजे सब खुले पड़े भाई इसके, अलग ही सस्ती कार लेकर आया, बट कोई नहीं लूट लेंगे भाई इसको, बैनी थोड़ा तेज है इस मामले में। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था कि जिस बंदे को हम लोग ये कार डिलीवर करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे खासे पैसे देने वाला है हमें, और उन पैसों का मैं यूज़ करूँगा अपने शोरूम में कुछ नई कार्स लाने के लिए। मतलब यार शोरूम खाली नहीं रहना चाहिए ना, जितनी नई नई गाड़ियाँ आएंगी उतना मस्त रहेगा। लेट्स गो गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ उस बंदे के घर पे। बट वेट, अभी अभी तो ठुक जाती भाई सभी, गाड़ी भी और मेरा ट्रक भी। बट ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बचा लिया। बाकी ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है गेट पे ही। लेट्स गो, दरवाज़ा खोल भाई जल्दी से, गाड़ी अंदर लेकर जानी है यार। इन्होंने दरवाजे देख रहे हो, मतलब इतना महंगा घर है पर दरवाजे वही पुराने। अरे तेरी भैंस की, अपने लिए नहीं खोलना था, मेरे लिए खोलना था, बंद कर दिया इसने। बाकी ठीक है यार, गाड़ी लेकर मैं पहुंच चुका हूँ, फटाफट से इसको पार्क करते हैं यहाँ पर साइड में। और इस बंदे के पास देख रहे हो एक लैम्बोर्गिनी एसवीजे है, और 1-2 दिन पहले अलग कार खड़ी थी, और आज यहाँ पर बेंटले की बंटायगा खड़ी है। ये भी काफ़ी मस्त और महंगी कार है। बाकी यहाँ भी फटाफट से इस कार को मैं यहाँ पर उतारता हूँ, और जो ऑनर है वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा पैसे इसी से लेने हैं शायद। ठीक है फिर, ऑल डन। तो अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड से ये ब्रीफ केस रिसीव कर लिया, और उसके अंदर पूरे के पूरे $1,000,000 हैं जो कि उस बंदे ने हमें दिए हैं। खैर ठीक है, फटाफट से लैम्बोर्गिनी एसवीजे को इस ट्रक के ऊपर से उतार के मैं इसे दे देता हूँ, और मुझे दिख रहा है वो सामने से मेरे को बता रहा है कि सीधी लानी है। खैर ठीक है, आराम से लेकर चलना है, परफेक्ट। शायद पीछे से थोड़ी सी लग गई बट डेंट नहीं आया। ठीक है, अब मेरे को फटाफट से इसे यहाँ पर पार्क कर देता हूँ घुमा के। भाई गाड़ी ना बहुत तेज़ भागती है, इस गाड़ी को तेज़ चलाना आसान है, धीरे चलाना काफ़ी टफ है। ठीक है, मस्त, गाड़ी को यहाँ पर खड़े करते हैं और जल्दी से चलते हैं। ये मैंने नहीं, थोड़ा ही अपने आप गिरा शायद, गाड़ी का साउंड सुन के गिर गया वो, पता नहीं। बट ठीक है, जल्दी चलकर बैठते हैं हम लोग गाड़ी में। $1,000,000 अपने पास आ चुके हैं, यानी हम लोग अब 2-3 कार्स तो खरीद के ला ही सकते हैं अपने शोरूम में। ये भाई सब जो जा रहे हैं गेट खोलने, भाई इसका सिक्योरिटी गार्ड सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, गेट खोलना तक भाग के जा मोटे। अरे भैंस की टांग, इधर कहाँ जा रहा है यार। चलो ठीक है यार, मैं ना फटाफट खुद से ही गाड़ी घुमाकर निकाल लेता हूँ। डेंट तो थोड़ा बहुत आ ही गया सामने, थोड़ा बहुत और आ जाए चलेगा, बेनी से दोबारा रीपेंट करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी वापस से चलते हैं हम लोग डीलरशिप पे, एक गाड़ी और है जिसकी मुझे पार्ट्स लेकर आने हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपना ट्रक लेकर पहुंचने वाला हूं वापस से अपनी डीलरशिप पे। बाकी हमें टोटल $1,000,000 मिले हैं और मैं कार्स खरीदने का प्लान कर रहा हूं, इसका मतलब
$1 million में आप लोग समझ रहे हो कि हम लोग एक आधी अच्छी कार खरीद पाएंगे, जैसे कि मैं लम्बोर्गिनी, फरारी, ये सब ले सकता हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ एक कार। तो उसके बाद भी शोरूम खाली खाली दिखने वाला है, इसलिए मैंने प्लान करा है कि क्यों ना मैं कुछ बाइक्स खरीद लूँ। मतलब $1 million में 6, 7 या 8, 9 बाइक्स तो आ ही जाएंगे, तो उसको परचेस कर लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस सैंडर्स मोटरसाइकिल्स पे। अरे भाई तू लगी बंदा है, इतनी मस्त पार्किंग बनी हुई है, लेकिन इसको यहीं पे खड़े करना है। ठीक है, तो फिर मैं भी अपना ट्रक ऐसे ही खड़े कर दूंगा। चलो अब फटाफट से चलते हैं अंदर। बाकी यार देख रहे हो क्या मस्त मस्त बाइक्स यहाँ पर है, और काफ़ी सारे लोग भी खरीदने आते हैं। ये बंदा भी अभी स्कूटी से आया शायद बाइक लेने के लिए। चलते हैं अंदर, कुछ अगर ढंग की बाइक या कुछ रेयर बाइक मिलेगी तो वो मैं यहाँ से परचेस कर लूँगा। और ये शायद से मैनेजर हमारे लिए बाइक दिखाएंगे, बाकी मैं खुद से देख लेता हूँ, मेरे को अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये हायाबूसा टाइप एक बाइक है, पहले हम भी चलाते थे वाली, बट अभी बाइक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, पर बेचने के लिए तो ले सकते हैं। बट यार जो भी हो, ये वाली बाइक तो मैं फाइनल करके लेकर जाने वाला हूँ। ये शायद से BMW है, तो एक ये परचेस करनी है। ये भी हायाबूसा एक्सटेंडेड टायर वाली। यहाँ पर 2 R1 टाइप बाइक्स हैं और इधर भी 3-4 बाइक हैं। तो $1 million में जो जो अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी बाइक्स आ रही है ना टॉप की, वो मैं सारी परचेस कर लेता हूँ। और ये भी एक लेकर चलेंगे, ये कुछ हार्ली डेविडसन टाइप है, जो मतलब गैंगस्टर टाइप बंदे होते हैं ना उनको पसंद है। और एक सेकेंड, वो बंदा भाई, ये बंदे को शायद ये वाली बाइक पसंद आ गई है भाई। अब ऐसा ना हो कि एक ही पीस है, क्योंकि मेरे को तो ये चाहिए, तो ये वाली बाइक तो मैं लेता हूँ। सीधा भी डील ही कर लेते हैं सीधा मैनेजर से, अपने पास जितना पैसा है वो सारा इसको पकड़ाते हैं और उस डील को डन करते हैं। ओके गाइस, तो अभी मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि हमें चल करना ऑफिस में ही बात करनी चाहिए, वहीं पर सारा का सारा सीन सॉर्ट करते हैं कि कौन सी बाइक कितने की मिलने वाली है हमें। तो मैंने ना यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप की बाइक डिसाइड करी है। एक है रेसिंग बाइक, और एक है थोड़ी जैसे ट्रैवलिंग वाली बाइक होती है उस टाइप की, और एक है माउंटेन बाइक जैसे हमारे पास पहले थी। तो 4 अलग अलग टाइप की बाइक लेकर चलते हैं, और अगर $1 million में आ गई तो ठीक है, वरना मैं गलत आ गया क्या शायद ऑफिस, अरे सॉरी मैं टॉयलेट में चला गया ऑफिस की जगह, शायद से ऑफिस ये वाला है। यस, तो यहाँ पर बैठ के हमें पूरी की पूरी बात करनी है बाइक्स को लेने के लिए। यार बड़ा घटिया बना रखा है यार इन्होंने डीलरशिप। ठीक है, बैठते हैं यहाँ पर और बात करते हैं कौन सी बाइक कितने की है, लेट्स गो। तो अभी मैंने $1 million का ब्रीफ केस इस बंदे को देकर 4 बाइक्स यहाँ से परचेस कर ली हैं, 4 अलग अलग कैटेगरी की मस्त बाइक है। फटाफट से चलते हैं नीचे, बट ओ ये रही सीढ़ियाँ, काफ़ी घटिया तरीके से बना रखा है यार इसका। और ये बंदा भी जा रहा है ऊपर बाइक परचेस करने, बट इसकी फेवरेट बाइक तो हमने खरीद ली है। बाकी ठीक है, जो 4 बाइकें मैंने खरीदी दिखाता हूँ। एक तो देखो ये है, मैंने पहली कन्फर्म कर दी थी, और एक वो पीछे वो BMW वाली मस्त सुपर बाइक है, और ये एक हायाबूसा का एक्सटेंडेड वर्जन है, और एक मैंने ये माउंटेन बाइक खरीदी है, ये येलो वाली जो आप देख पा रहे हो। इसमें मैंने एक दूसरी वाली है, ये वाली शायद से सिर्फ दिखाने के लिए हमने जो परचेस करी है वो ये वाली है। तो टोटल ये 4 बाइकें हमने यहाँ से ले ली हैं। फटाफट से ना मेरे को इन्हीं को लेकर चलना होगा, एक एक करके लोड करवाना है मुझे इसे अपने ट्रक में। बट बाइक लोड करवाने से पहले काम करता हूँ, ट्रक को दूसरी साइड पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से बाहर निकालना थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बंदे के अंदर आने वाले गेट हैं ना कि बाइक के जाने निकालने वाले। फटाफट से ट्रक को मोड़ते हैं और इस जगह की जो दूसरी एग्जिट वाली साइड है यहाँ पर लेकर चलता हूँ। यहाँ से एक ही बार में ला के डायरेक्ट गैराज से लोड कराना है बस। और आराम से आराम से आराम से भाई, ये ट्रक है तो मस्त है, इसके कंट्रोल ठीक करवाएंगे यार बैनी से। ये सुपर कार की तरह पता नहीं क्यों चलता है, ट्रक है भाई, ट्रक की तरह ही चले ना धीरे धीरे तो बढ़िया रहता है, और जिस तरीके से ये चल रहा है भैया वो काफ़ी ख़राब लगता है। ठीक है, तो अभी ट्रक को मैंने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब फटाफट से चल के अंदर से बाइक्स वगैरह को निकाल कर लाते हैं। चलो तो ठीक है, अपनी बाइक्स को लेकर आते हैं। और इस बंदे को देखो, ओ भाई ओ खरीद ली गया इसने बाइक, भाई मैं लग तो रहा भाई इस बंदे ने वाली बाइक ले लिया है। बट ठीक है, हमारे को तो इससे ज़्यादा बढ़िया बाइक मिली है यहाँ, ये इस शोरूम की सबसे ज़्यादा महंगी बाइक है, तो इसको आराम से लेकर चलते हैं। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है, बट मुझे ना ये स्पीड वगैरह टेस्ट नहीं करनी, इसे आराम से बाहर लेकर चलते हैं और यहाँ पर चढ़वा देते हैं। शोरूम अपने यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही नज़र आ रहा है, बट तमीज़ में लेकर जाएंगे ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। बट वेट, स्पेस है आगे, थोड़ी सी बाइक आगे कर देता हूँ ताकि जो पीछे तो आएंगी वो भी ढंग से मैं खड़ी कर पाऊँ। तो अब चलते हैं दूसरी बाइक को लेने के लिए, और दूसरी जो बाइक है वो है ये एक्सटेंडेड वाली हायाबूसा। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पेस लेने वाली है अंदर जाने के लिए, बट मस्त है ना यार, इस बाइक को चलाने में जो मज़ा है भाई वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। लेट्स गो, गैराज ओपन, और दूसरी बाइक भी आ चुकी है। और भाई मेरे को लग रहा है मैं एक बार में 3 ही बाइक लेकर जा पाऊँगा, क्योंकि वो वाली बाइक तो कम स्पेस में आई है, बट इसने भाई भर के जगह ले ली। 2 बाइकें हो गई हैं, अब तीसरी बाइक जो मैंने परचेस करी है वो है ये वाली। फटाफट से इसको भी उठाकर लेकर चलते हैं, लेट्स गो भाई। इसका साउंड तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है गाइस। इस बाइक में पता है चेन किस लिए है, मतलब जिन राइडर्स को शौक होता है ना ऐसे माउंटेन पे चढ़ाने का, तो माउंटेन में कभी कभार क्या होता है बर्फ होती है, तो इस बाइक के टायर की ग्रिप स्नो में भी उतनी तगड़ी बनी रहेगी इन चेन की वजह से,
खैर ठीक है, अभी ये वाली बाइक को मैंने साइड में ला के लगा दिया, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि ये ढंग से यहाँ पर खड़ी रहे। परफेक्ट, अब बस एक बाइक मुझे और ला के लगानी है। ठीक है गाइस, तो भी मैं ये चौथी बाइक भी यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। बाकी मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर अंदर गैराज है, तो बाइक खरीदने के बाद अगर कुछ टायर्स वगैरह चेंज करवाने हैं तो वो भी यहाँ से चेंज करवा कर हम लोग ले जा सकते हैं। बट ठीक है यार, अब तो हम लोग अपने शोरूम में ले जा रहे हैं, सारी कस्टमाइजेशन बेनी से करवाएंगे और डबल रेट में इन बाइक्स को बेचेंगे। तो ठीक है, अभी चारों बाइकें हम वेयर मैंने लोड करवा दिया, फटाफट से चलकर बैठते हैं हम लोग अपने ट्रक में और जल्दी से लेकर चलते हैं सारी को बाइकों को अपनी डीलरशिप में बेचने के लिए। डन गाइस, तो चारों बाइकें कितनी ज्यादा मस्त लग रही है यार पीछे खड़ी हुई, बस उनको थोड़ा बहुत आराम आराम से चला कर ले जाना होगा। भाई ये बंदे को भाई क्या अलग ही चूल्हा है, अभी अभी बाइक खरीदी है, उसके नए नए टायर से बर्न आउट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर इसको इसका टायर पंचर मिलेगा। बाकी ठीक है यार, हम लोग अपना काम करते हैं, चारों मस्त मस्त महंगी महंगी बाइक्स लेकर आ रहे हैं। बैनी भी एकदम मस्त खुश हो जाएगा भाई, आज से समझ लो अपने बिजनेस स्टार्ट हो गया बढ़िया वाला। चार बाइक्स आ गई हैं, थोड़े टाइम बाद हम लोग चार गाड़ियाँ लाएंगे, फिर उसके बाद ट्रेलर में भर भर के गाड़ियाँ लाएंगे। बाकी किस्मत देख रहे हो, एक साइड पर रिपेयर हो रही है जी वैगन और दूसरी साइड पर रिपेयर हो रही है ये छोटी सी कार। मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई साहब, आई मीन कोई मैच ही नहीं है यार दोनों कार में। बाकी ठीक है, चारों बाइकें आ चुके हैं, सारा काम बैनी करेगा और बैनी से कुछ बात करते हैं अपने आगे वाले बिजनेस को लेके। चलो ठीक है, फिर अभी बात करते हैं बैनी से कि अपने पास नई नई बाइक्स आ चुकी हैं, इसको मॉडिफाई करके बेचने में ही अपना एकदम मस्त वाला फायदा है। और ये देखो भाई, ये बंदा मैंने इसको बोला था, ये बर्न आउट कर रहा था अपनी बाइक लेकर, उसका पीछे वाला टायर हो चुका है पंचर। लेट्स गो, इस टाइप के बंदे हुए ना तो भाई सच में कार मैकेनिक्स तो भाई करोड़पति बन जाएंगे। बाकी ठीक है, ये खुद ही चला गया बैनी से बात करने, पहले इसको करने देते हैं फिर हम लोग अपने काम की बात करते हैं इन बाइक्स को लेके। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से अपनी डीलरशिप का काम चलता रहा तो हम लोग आने वाले 2 साल में भी अमीर नहीं बन पाएंगे। मतलब सीन क्या है ना कि इस डीलरशिप में अभी सिर्फ और सिर्फ कार्स वगैरह रिपेयर होने के लिए आती है, कोई टायर चेंज करवाने आ रहा है तो कोई वॉश के लिए आ रही है, और अपने पास मैकेनिक भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है बैनी। तो इस काम को करने में पूरा का पूरा 1 हफ्ता चले जाता है और ज़्यादा कमाई भी नहीं होती। तो देखो, अगर हमें ढेर सारा पैसा कमाना है तो इस पूरे के पूरे शोरूम को कार्स से भरना होगा, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी, सब कुछ। लॉस सैंटोस का हर एक बंदा जब तक गाड़ी यहाँ से आकर नहीं खरीदेगा तब तक हम लोग अमीर नहीं बन पाएंगे। कुछ बाइक्स वगैरह तो खरीद के लाएं अभी, वो यहाँ पर चारों हम लोग खड़ी कर देंगे, 5 बाइक का स्लोट है, 5 बाइकें ले आएंगे, 5 को यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन उससे भी कमाई नहीं होने वाली। हमें कुछ इस टाइप की कार्स ला ला के पूरी डीलरशिप को भरना होगा, तभी हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन पाएंगे। अरे भाई ये कौन है, अभी तो मेरी फरारी ही ठोक डालता है, ये पिटेगा भाई यहाँ पर अपना, इसको खाली जगह दिख गई, ये ड्रिफ्ट मारने आ गया है। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, इन्जॉय करने देते हैं बंदे को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें कुछ इस टाइप की कार चाहिए होगी तभी हम लोग अमीर बन पाएंगे। तो बैनी ने हमें 3 प्लान दिए हैं। प्लान नंबर 1 ये है कि हम लोग चले जाएँ लिबर्टी सिटी, वहाँ पर थोड़ी सस्ती कार्स मिलती है, वहाँ से कार्स ला कर यहाँ पर बेचें। या फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग जंक यार्ड जाके पुरानी कार्स खरीद के लाएँ, उन्हें रिपेयर करके बेचें। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग गाड़ियों को चुराएं। अब देखो यार, शुरू के जो 2 ऑप्शन है ना, इसमें इसको करने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा, क्योंकि अब लिबर्टी से गाड़ी खरीदने के लिए भी ढेर सारा पैसा चाहिए और पुरानी कार मतलब जंक यार्ड से कार लाने के लिए भी पैसा चाहिए। जो तीसरा ऑप्शन है गाड़ी चुराने वाला, इस मामले में माइकल थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है, तो शायद हमें प्लान 3 के लिए जाना चाहिए। और बैनी ने हमें एक लोकेशन बताई है, वो लोकेशन है मर्सिडीज़ के फैसिलिटी की, जहाँ पर मर्सिडीज़ की सारी कार्स बनती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उस जगह पर जाऊँ, एक्सप्लोर करते हैं कि आखिरकार वहाँ पर कौन कौन सी कार्स है। अगर हम लोग वहाँ से कुछ कार्स को चुरा पाएंगे तो मैं चुराने वाला हूँ, क्योंकि भाई अभी हमें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाइक्स वगैरह ला ला के बेचेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई। 4 बाइकें ला के खड़ी करी है, पता नहीं 1 हफ्ते में बिकेगी या 1 साल में बिकेंगी, अब बिकेंगी नहीं, कोई आइडिया नहीं। बट कार्स, सुपर कार्स, वो तो भाई 1 हफ्ते के अंदर ही सारी बिक जानी है। तो मैं जाने वाला उस टाइम पर सीधा मर्सिडीज़ की फैसिलिटी पे जहाँ कार्स बनती है। बैनी ने मुझे लोकेशन दे दिया और अपनी कार की स्पीड भी सुपर फास्ट है, तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि वहाँ से हम लोग कार चुरा सकते हैं ही या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा मर्सिडीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। बाकी यार, कार की स्पीड ना इस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, कम कर लेनी चाहिए वरना मैं आगे जाकर भिड़ जाऊँगा बुरी तरह। बाकी हाँ, वो जो आप सामने 2 बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, वहीं पर मर्सिडीज़ की सारी कार मैन्युफैक्चर होती है। बट शायद मैं इस तरीके से डायरेक्ट जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई दूसरा रास्ता यहाँ से लेना चाहिए। मतलब डायरेक्ट जाने में क्या है ना, मेरे को पहले पता करना है कि यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है,
कितने ज़्यादा यहाँ पर गार्ड्स बैठे हुए हैं और किस किस जगह पर हैं और कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमराज हैं, ये सब कुछ मुझे दूर से ही पता कर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है, लेट्स गो, फटाफट यहाँ से चलते हैं अपनी कार को लेकर। बाकी ये माउंटेन काफ़ी ख़राब है और अपनी कार की ना ग्राउंड क्लियरेंस ठीक नहीं है, ये देख रहे हो। अभी यहाँ तक तो आ गई बट इसके बाद थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं इसे ज़्यादा ऊपर लेकर नहीं जाने वाला, मतलब गाड़ी ना नीचे से ख़राब हो जाती है। बाकी यहाँ से सही रास्ता है, इधर से लेकर चलते हैं थोड़ा टेढ़ा करके, लेट्स गो। हम लोग इस टाइम पर पहुँच चुके हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे और शायद अभी मुझे अपने बिनोक्युलर्स निकाल कर सामने उन बिल्डिंग्स का व्यू लेना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं और कोई प्लेन उड़ा रहा लग रहा है आसपास। भाई कोई सिक्योरिटी वाला तो प्लेन नहीं है ना, पता चला ऊपर से भी नज़र रख रहे हैं लोग। ठीक है, बिनोक्युलर्स निकालते हैं और सामने की तरफ में देखते हैं। इधर इनका लोगो बना हुआ है और इस तरफ में यार एंट्री कहाँ पर है? वेट, ये इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है बट पूरी चारों तरफ से बंद है, और बंद भी एक ऐसी चीज़ है कि कल को न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर जाए मेरे को लगता नहीं है इसको कुछ होने वाला है। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 1, हो सकता है ये गेट नंबर 1 की एंट्रेंस के लिए हो। खैर ऐसे यहाँ से कुछ कंफर्म नहीं होगा, मैं थोड़ा गलत साइड पर आ गया हूँ। एक काम करते हैं, उस बिल्डिंग की दूसरी साइड पर चलते हैं और वहाँ चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी एंट्रेंस है, हम लोग कहाँ से घुस सकते हैं गाड़ियाँ चुराने के लिए अंदर, और कितने गार्ड्स को हमें मारना पड़ेगा गाड़ियाँ चुराने के लिए। चोरी तो हो जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ पर चोरी अगर हम लोग करेंगे तो पुलिस को आने में काफ़ी अरे वेट, अभी तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है भाई। हाँ मैं कह रहा था कि जो जगह है ना, यहाँ पर पुलिस को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग सही टाइम पर गाड़ियाँ चुरा कर निकल सकते हैं। बस हमें ना गाड़ियों को छुपाने का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है, वो हमारा पीछा तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग गाड़ी को नहीं छुपाएंगे। वैसे गाड़ियाँ सुपर फास्ट चुरानी पड़ेगी ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग भाग भी पाए ना, पता चला ऐसे सस्ती सस्ती दिखने में अच्छी वाली गाड़ियाँ चुरा ली बट फिर बाद में हमें ही प्रॉब्लम आ रही है। खैर ये तो वेट, मैं थोड़ा गलत आ गया, मेरे को यहीं से थोड़ा बैक करना है। बाकी ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी हो चुकी है इस टाइम, तो गाड़ी ठुकने का टेंशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स गो, अभी गाड़ी को लेकर मैं चलता हूँ सीधा दूसरी साइड पे, और एंट्रेंस के लिए तो यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं है, और मैंने कहा था ना यहाँ पर गार्ड्स होंगे, दूर से नहीं नज़र आ रहे थे क्योंकि एंगल नहीं मिल रहा था, बट ये देखो यहाँ पर गार्ड्स हैं और गेट इन्होंने ऑटोमेटिक लगा रखे हैं। सायरन वायरन ना बजने लग जाए अगर मैं अंदर गया तो, पहले पूरा देख लेते हैं फिर अंदर जाएंगे। गार्ड्स इन्होंने फैक्ट्री के हर कोने में लगा रखे हैं, पहला इंटेल मुझे ये मिला है। इनके कुछ कुछ वर्कर्स इधर उधर काम कर रहे हैं, बट वेट इस तरीके से नज़र रखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर सामने की दूसरी फैक्ट्री है, इसके अंदर चलते हैं, इस फैक्ट्री के एंट्रेंस के लिए कोई टेंशन वाला सीन नहीं है। गाड़ी को लावा कर खड़े कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर मुझे जाना है थोड़ा ऊपर ताकि मैं जाकर कुछ सही सा व्यू ले पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ जा रही है, फटाफट से ना भाग कर चलते हैं ऊपर, वो जो एकदम ऊपर टावर देख पा रहे हो ना जहाँ से धुआं निकल रहा है, हम लोग भाग कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं इस रास्ते के थ्रू, ये सीधा वहीं पर जाता है। बट हाँ यार बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, काफ़ी लंबा रास्ता है बट कोई नहीं पहुँच जाएंगे। ओके तो फाइनली मैं भागता भागता एकदम टॉप तक आ चुका हूँ, अब बस ये वाली जो लेटर्स हैं इसके थ्रू मुझे टॉप पे जाना है, और टॉप पे जाके मैं बिना किसी की नज़रों में आए सारा का सारा व्यू ले सकता हूँ और पूरा चेक कर सकता हूँ कि आखिरकार इस फैक्ट्री में चल क्या रहा है। मेरे को मेनली ना पता करना है कि आखिरकार मैं कैसे इस फैक्ट्री के अंदर जा सकता हूँ बिना किसी को अलर्ट करे, मतलब किसी गार्ड को पता भी ना चले और मैं फैक्ट्री में चले जाऊँ। बाकी इतना मुझे समझ आ रहा है कि सामने कोई तो बॉक्सेस वगैरह लोड हो रहे हैं और एक ट्रक निकल कर जा रहा है। आई थिंक ट्रेन से काफ़ी सारा सामान आया है कार्स मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ होता है, अब ये ट्रक उस ट्रेन से लोड करवा के जा रहा है शायद से फैक्ट्री के अंदर रखवाने। शायद से गार्ड वगैरह डब्बा खोल के नहीं चेक करेंगे, ट्रक डायरेक्ट जा रहा है, इसके बाद शायद से परमिट होगा। बाकी ये वाले जो भाई साहब हैं ये कुछ नहीं कर रहे, ये ट्रेन से सामान निकाल रहे हैं और उन डब्बों को ला के ट्रक पे और ज़मीन पे यहाँ पर रखवा रहे हैं, और बाकी सारे बंदे एक एक चीज़ें काउंट हो रही है भाई, धुएँ की वजह से सही से नज़र नहीं आ रहा, बट सिक्योरिटी वाइज तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमें थोड़ा बहुत समझ के चलना होगा। मेरे पास ना एक मस्त आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा प्लान करें कि ये जो डब्बे हैं, मतलब जो डब्बे लोड होकर जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, हम उन डब्बों के अंदर छुप के चले जाएं। मेरे को कुछ पता नहीं है उन डब्बों की चेकिंग कब होती है, डब्बे ओपन कब होते हैं, बट इतना मुझे समझ आ गया कि डब्बों के अंदर छुप के फैक्ट्री में जाना थोड़ा बहुत ईजी है। हम लोग उन डब्बों के अंदर जा सकते हैं ट्रेन के थ्रू, मतलब जहाँ से वो डब्बे आ रहे हैं, तो हमें पहले जाना है ट्रेन में, फिर जाना है डब्बों में, और फिर ये लोग हमें ऑटोमेटिकली सामान वामान लोड करा के फैक्ट्री के अंदर पहुंचा देंगे। ये काम सुनने में काफ़ी आसान लग रहा है बट शायद करने में मुश्किल हो सकता है, लेट्स गो। बट मैं रिस्क लेने वाला हूँ, गन्स वन साथ लेकर जाएंगे, बट मैं सोच रहा हूँ अपने साथ कुछ बंदों को भी बुला लूँ। लास्ट टाइम ट्रेवर फ्रैंकलिन रहते थे तो बढ़िया रहता था, लेकिन अभी उनसे हमारी लड़ाई नहीं हुई है, उनसे थोड़ी बहस हुई है, बट दोस्त वो अभी भी हमारे हैं, तो एक बार ही उनको कॉल करते हैं।
ट्राई करते हैं उनकी हेल्प लेने का। अगर वो लोग आ गए ना तो फिर भाई यहाँ से गाड़ी चुराना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अंदर मर्सिडीज वालों की एक से बढ़कर एक महंगी महंगी कार्स होगी इन दोनों बिल्डिंग्स के अंदर। बिल्डिंग का साइज देखो भाई, यहाँ से शुरू है वहाँ पे जाके ख़त्म है भाई। नेक्स्ट लेवल है भाई ये फैसिलिटी, बहुत सारी कार्स होगी अंदर और हम जितनी होगी उतनी चुरा कर सीधा भागेंगे यार। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस, थोड़ी सी लेस्टर की हेल्प लेते हैं, ट्रेवर फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं और अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना बॉडीगार्ड, उसको भी फ़ोन करते हैं भाई। हमें 3-4 बंदे चाहिए होंगे जिनको अच्छी गन चलानी आती हो, अच्छी ड्राइविंग करनी आती हो, क्योंकि जब गाड़ी यहाँ से चुरा कर भागेंगे तो पुलिस पीछे पड़नी है, तो उसके लिए ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। और डेंट आ गया भाई गाड़ी पे, बट तो ये चोरी करने के लिए हमें वो बंदे चाहिए जिनको गाड़ी भी अच्छी चलानी आती है और गोलियां भी अच्छी चलानी आती है, और अपने सारे के सारे दोस्त इसी टाइप के हैं। तो फटाफट से कॉल करके बुलाते हैं ट्रेवर फ्रैंकलिन और अपने बॉडीगार्ड को। लेट्स गो गाइस। तो अभी फिलहाल मैंने ट्रेवर फ्रैंकलिन और अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके एक सीक्रेट लोकेशन पे बुला लिया है मिलने के लिए। मुझे अब उनको ना पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन करना है और यही है वो जगह जहाँ पर वो लोग आए हैं। वैसे मैं श्योर हूँ कि वो लोग आ गए होंगे, तीनों के तीनों वहाँ पर खड़े हुए हैं। खैर ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को ना इस बनी के सीक्रेट गैराज में छुपा देता हूँ, यहाँ पर ये कार बिल्कुल सेफ रहने वाली है, और अगर कोई चुराएगा भी तो फिर बैनी उसकी बैंड बजा देगा। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं इन तीनों लोग से मिलने के लिए, इन तीनों को पूरा प्लान बताते हैं। और अब इसमें से ये जो अपना बॉडीगार्ड है ये तो हमारे साथ चलेगा चोरी करने के लिए, बट ट्रेवर फ्रैंकलिन को लेकर मुझे डाउट है, तो इनसे बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी मेरी फिलहाल ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और ये लोग कह रहे हैं कि अब ये हमारे साथ और हमारे लिए कोई आखिरी चोरी करने वाले हैं, इसके बाद ये दोनों हमारे साथ कोई काम, कोई चोरी, कुछ भी नहीं करने वाले। मतलब सीन कुछ ऐसा है कि लास्ट जो हमने चोरी करी थी उस चोरी में ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने ही सारा पैसा आपस में बांट लिया था, हमें कुछ नहीं मिला था, हम गरीब ही रह गए, दोनों लोग अमीर बन चुके हैं। बट इस चोरी के बाद सारा पैसा, सारी गाड़ी हमारी होने वाली है, तो ट्रेवर फ्रैंकलिन दोस्त बन के रहेंगे बट हमारे साथ आज के बाद कोई इस टाइप का बिजनेस नहीं करेंगे। ये लास्ट टाइम है ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम भी एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, इसके बाद हमें भी कोई चोरी वोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे से गाड़ी वाड़ी सब चोरी हो जाए, अपना काम हो जाएगा। फिलहाल अभी मुझे कोई एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जहाँ से हम लोग ट्रेन के ऊपर जंप कर सकें। वैसे वेट, यहाँ पर ना एक टनल जाती है, क्यों ना मैं अपनी गाड़ी को इस टनल के अंदर लेकर चलूं और सीधा हम लोग चलें किसी एक हाईवे पे। वेट, शायद मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ, ये रास्ता कहीं और ही जाता है, मुझे इस वाले रेलवे ट्रैक को फॉलो नहीं करना। हमें चाहिए एक फ्रेट ट्रेन जिसमें सामान लोड होकर जाता है, और वो ट्रेन जाएगी मर्सिडीज के शोरूम के आगे रुकने के लिए, तो हम लोग वहाँ से करने वाले मस्त वाली चोरी। बाकी अपनी गाड़ी अभी कोई सुपर कार नहीं है, मैं इसे जंप करा सकता हूँ, क्या मस्त वाली लैंडिंग कराई है। लेट्स गो, अभी फटाफट से इसे भगा कर लेकर चलते हैं। राइट साइड पे मुझे गाड़ी को चढ़ाना है, उस तरफ में रेलवे ट्रैक है और सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज है, ये देखो ये जा रही पीछे एक ट्रेन, बट हमें इस ट्रेन को फॉलो करना है जो कि जाएगी उस डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं अंदर करा सकता हूँ इसे तोड़ के, और नहीं 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 भाई, अभी तो पलट जाती भाई गाड़ी गलत वाली, बट कार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला ब्रिज मेरे को बहुत सही लग रहा है, इस ब्रिज के ऊपर हम लोग चलकर बैठ सकते हैं। तो गाड़ी को कहाँ से लेकर जाऊँ यार इस ब्रिज के ऊपर, रास्ता दिख नहीं रहा है और इस माउंटेन के ऊपर मैं चढ़ा सकता नहीं हूँ, शायद मुझे पूरी घुमा के लानी पड़ेगी पीछे से। लेट्स गो, टाइम अपने पास अभी अच्छा खासा है, क्योंकि जिस ट्रेन में हमें बैठ कर जाना है उसको आने में अभी पूरा का पूरा 1 घंटा है, तो हम लोग आराम से जाकर अपनी पोजीशन वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से गाड़ी को मुझे घुमाना है, पीछे आराम से निकालते हैं भाई, जब तक सुपर कार है तो अच्छे अच्छे रोड, बट जैसी ये कार है तो फिर भैया कहीं भी ले जा दो, कहीं भी कुदा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई थिंक ये जगह काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है जंप मारने के लिए, ट्रेन यहीं से जाएगी, अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करते हैं, चारों लोग एकदम मस्त जंप मारेंगे एक एक करके और ट्रेन पर आ जाएंगे। थोड़ी देर में ट्रेन आती होगी सामने से, मैं तो सोच रहा हूँ कि यार दो लोग इधर से जंप मारते हैं और दो लोग ब्रिज के उस साइड से जंप मारेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके गाइस, तो पूरे के पूरे 1 घंटे हो चुके हैं और सामने से वो ट्रेन आ गई है जिसके, नहीं 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 ये दूसरी ट्रेन है यार, इसके बाद वाली ट्रेन में हमें जाना है, ये तो भाई पेट्रोल पंप में जाएगी किसी, हमें उस ट्रेन में जाना है जिसमें मर्सिडीज कार के लिए सामान आ रहा है। वैसे मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों लोग जो हैं अपना फ्रैंकलिन और अपना बॉडीगार्ड, वो दोनों लोग यहाँ से कूद जाएंगे, क्योंकि चारों लोग एक ही जगह से कूदेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं काम, अरे भाई क्या किस्मत थी, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर बीच में गैप है, वो तो सही है भाई, टाइम पे पकड़ लिया वरना नीचे जाके गिरते। हाँ तो मेरा प्लान ये था कि मैं जंप मारूंगा दूसरी साइड से, ट्रैवर, ओ भाई यार ये हाईवे डेंजरस है यार। हाँ थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, रेलवे ट्रैक है उस तरफ,
वहाँ से जंप मारनी है। भाई यार आज बस सही सलामत ना एक जंप हो जाए और हम लोग उन सभी बॉक्सेस के अंदर जाके छुप जाएं, ये चोरी बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। तो मैं यहाँ पर ट्रेन के आने का वेट करता हूँ, उस तरफ से आएगी वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर ट्रेवर और मैं दोनों जंप मार के निकल लेंगे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल ट्रेवर पूरा प्लान बनाकर आ चुका है क्योंकि ट्रेन आ रही है और इस टाइम पर हम दोनों फुल रेडी हैं उसके अंदर जंप मारने के लिए। ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि फ्रैंकलिन और अपना बॉडीगार्ड तो इन सब मामलों में परफेक्ट हैं। थोड़ा सा मेरे को अपना और ट्रेवर का ही वीक लग रहा है, बट हम लोग कर लेंगे। एकदम ना पटरी के ऊपर रहना, जंप जंप जंप, फुल स्पीड में जाना भाई, लेट्स गो। ट्रेवर तो गिर गया और मैं भी गिर चुका हूँ, बट थोड़ा सा गलत पोजीशन पे। ठीक है, अभी थोड़ा ना पहले यहाँ पर बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग इन कंटेनर्स के अंदर डब्बों में छुपने के लिए। भाई साहब जंप थोड़ी रिस्की थी, अब बस फ्रैंकलिन और अपने बॉडीगार्ड वो दोनों लोग भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी ठीक है, मैंने यहाँ से जंप मार के, ओह वेट, ट्रेवर भी ऊपर आ चुका है। पहले हम दोनों मिलते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे इन बॉक्सेस के अंदर एकदम मस्त बैठने के लिए। भाई तो एक काम कर भाई, ट्रेवर को इधर बुलाते हैं क्योंकि जंप मारना ऐसी की तैसी, मैं जंप में परफेक्ट हूँ। चलो भाई, मैं सोच रहा हूँ इंजन वाले बंदे को पकड़ लें, लेकिन उससे शक हो जाएगा। हमें चुपचाप घुसना है मर्सिडीज़ के शोरूम में, तो सारा काम एकदम चुपचाप होना चाहिए। लेट्स गो गाइस। तो भी अपनी पूरी गैंग मिल चुकी है और हम तीनों इस टाइम पर रेडी हैं इस मस्त चोरी को करने के लिए। आप लोग सोच रहे हो कि यार चौथा बंदा अपना बॉडीगार्ड कहाँ चला गया, उसके टेंशन मत करो, वो भाई साहब जी हमसे भी ज़्यादा फास्ट हैं सब कामों में। डब्बे के अंदर छुप के बैठ गए प्लान के अकॉर्डिंग, तो मैं भी फटाफट से अपना एक डब्बा चूज़ करता हूँ। ये सारे के सारे डब्बे जाने वाले हैं मर्सिडीज शोरूम के अंदर, तो हमें फटाफट से छुपना होगा। बाकी फ्रैंकलिन भी आएगा इस वाले के अंदर छुपने, तो फटाफट से भाग कर चलते हैं आगे। ओ वेट 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 वेट, ट्रेन के अंदर ये रहता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, थोड़ा बहुत ये सब काम ना संभाल के करना होगा हमें। खैर ठीक है, फटाफट से भाग के चलते हैं आगे वाले डब्बे में छुपने के लिए। ठीक है गाइस, तो भी मैंने अपना ये वाला डब्बा चूज कर लिया है, फटाफट से इसके अंदर छुप जाते हैं क्योंकि अब अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और फाइनली ये ट्रेन पहुंच गई है मर्सिडीज की कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे। बाकी ये वाला जो आप ऊपर बॉक्स देख पा रहे हो ना, इस बॉक्स के अंदर मैं छुपा हुआ हूँ। मतलब बीच रास्ते में ना ये जो ट्रेन है ये काफ़ी जगह पर इसने स्टॉप लिए थे, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आई है, काफ़ी अलग अलग जगह गई थी। डब्बे काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, बहुत सारा और भी सामान इसमें ऐड हुआ है। बाकी जो सबसे आगे वाला बॉक्स है उसके अंदर ट्रेवर, फिर फ्रैंकलिन और उसके पीछे अपना बॉडीगार्ड बैठा हुआ है। हम लोग वेट कर रहे हैं अपने इस बॉक्स का, इस ट्रक में लोड होने का। ये भाई साहब जी एक एक करके सारे डब्बे लेकर आ रहे हैं पीछे वाले डब्बे से, फिर हमारा नंबर आएगा और हम लोग भी इस ट्रक में बैठ कर जाएंगे मर्सिडीज़ की फैक्ट्री के अंदर। चुपचाप से बस हमें गन्स निकालनी है, सबको ठोकना है, गाड़ी लेकर भागना है, जो जो गाड़ी में मिल जाए दैट्स इट, अपना आज इतना ही काम है। ऑल डन गाइस। तो फाइनली एक घंटे बाद इन लोगों ने हमारे वाले बॉक्स को भी इस ट्रक के ऊपर लोड करवा दिया है और अब ये लोग इस ट्रक को लेकर जा रहे हैं इस फैक्ट्री के अंदर। मुझे देखना ये है कि क्या मैं बिल्डिंग नंबर 2 में जाऊँगा या फिर बिल्डिंग नंबर 1 में। वैसे गाड़ियाँ तो देखो दोनों में ही होने वाली है, बट बिल्डिंग नंबर 1 ज़्यादा बड़ी है और अपना ट्रक उसी के अंदर जा रहा है। भाई मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जगह को अंदर से देखने के लिए। यहाँ पर मैं सोच रहा था बहुत भीड़ होगी, बट शायद ये काफ़ी सुबह का टाइम है इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। बाकी एक बार इस सामने की तरफ में ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी सामने जो ट्रेन सी है ना, ये गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही है इस टाइम पर, इसमें शायद सीट लग रही है या फिर पार्ट्स असेंबल हो रहे हैं। बट यार उधर देखो मर्सिडीज़ की एक से बढ़कर एक इतनी सारी कार खड़ी हुई हैं। बाकी ठीक है, थोड़ा आराम से मुझे रहना है क्योंकि मैंने देख लिया है अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, गन्स लेकर खड़े हुए हैं ये, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो। फिलहाल ये जो बंदा है इसने ट्रक लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया और शायद इसका काम इतना ही है। अब ये अपना बंदा जा रहा है बाकी काम करने, एंड इस टाइम पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है फैक्ट्री में, शायद अभी सबकी छुट्टी है। पर अभी हम लोग डब्बे से बाहर नहीं निकल सकते, हमें डब्बे से बाहर निकलते ही इन सभी गार्ड्स को मारना है और गाड़ी लेकर यहाँ से भागनी है। इन चारों डब्बे में हम ही लोग हैं, तो बस एक बार ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी कार्स लेनी है और कितने सेकंड में हमें इन सबको निपटा के यहाँ से भागना है। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम चारों लोग ने अपने बॉक्सेस को ऊपर से ओपन कर लिया है ताकि जो सामने गार्ड्स हैं इनकी हम गोलियां बजा के इन कार्स को यहाँ पर ईजिली चुरा पाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन भाई साहब जी गन्स ही नहीं लेकर आए हैं यहाँ पे, इनको लग रहा था बस गाड़ियाँ चुरानी है, बट इन बंदों को मारना होगा अब हम दोनों को मिलके। लेट्स गो, मैं फुल रेडी हूँ, फटाफट से खड़े होते हैं और सामने जो बंदा इसको डाउन करते हैं, ये मारो भैंस की, अब फटाफट से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोग पीछे भी हैं, बहुत सारे लोग आगे भी हैं, मैं पीछे वालों को निपटाता हूँ, जितने भी हैं सबको मुझे मारना होगा। फिलहाल अपना ये जो बॉडी गार्ड है इसका भी निशाना बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बट इसको थोड़ा बहुत कवर देते। ओह वेट, मुझे पता था यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा। लेट्स गो, यहाँ पर बैक साइड में भी काफ़ी सारे लोग हैं, ये भी गया, ये भी गया। लेट्स गो,
मामला पूरा ठंडा है। इस फैक्ट्री में इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियां बन रही है, बट सिक्योरिटी के नाम पे बच्चे रखे हुए थे भाई इन्होंने। बाकी यार ये देखो इधर चार चार मर्सिडीज जी वैगन, इस तरफ में मर्सिडीज की जीटी, और भाई साहब इतनी ज़्यादा पावरफुल कार है। आप लोग को याद होगा स्कार से हमने रेस जीती थी, बट वेट सामने में कोई एक बंदे की और आवाज आई, हो सकता है वो यहीं कहीं पर छुप के बैठा हो। तो चलो गाइस अभी फिलहाल हमने यहाँ पर सभी बॉडी गार्ड्स को मार डाला है, बस देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां हमें यहाँ से चुरा कर निकलना चाहिए। देखो इस तरफ में मर्सिडीज की चार पांच स्पोर्ट्स कार है जो कि बहुत ज्यादा ही सुपर फास्ट है। इस तरफ में कुछ चार SUV हैं, लग्जरी SUV जो कि काफ़ी महंगी बेच सकते हैं हम लोग। बाकी उस तरफ में कुछ मस्त मस्त सेडान्स खड़ी हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बैंड बज गई है, गोलियां चलाई थी तो एक आध जाकर लग गई हैं उन पे, एक तो बेचारी पलट ही गई है। बाकी ये सब ठीक है, अंदर कौन कौन सी कार्स है यार, ये अंदर मैंने एक बार भी चेक नहीं करा। बट वेट भाई साहब, अंदर मर्सिडीज़ की कॉन्सेप्ट कार्स बन रही हैं, मतलब ये वो कार है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, मतलब मार्केट में ही नहीं आई, अभी बन रही है बस ये, एंड शायद से कंप्लीट हो चुकी है, देखने में तो लग रही है। तो क्यों ना हम लोग इसको ही चुरा लें, क्योंकि इसको तो भाई साहब हम लोग जितने का चाहेंगे उतने का बेच सकते हैं भाई। तो मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमारी किस्मत अच्छी थी, लेट्स गो। तभी गाँव भाई साहब हर दिन ट्रेन से नया नया सामान क्यों आ रहा है, वो इन सब कार्स के लिए आ रहा है, बट इन कार में बस अब कोई प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से गाड़ी को लेकर निकलते हैं, एक गाड़ी मैंने उठा ली है और एक गाड़ी अपनी बॉडी गार्ड ने उठा ली है। अब दो कार्स बची हैं, ड्राइवर फ्रैंकलिन को बोलते हैं, वो दोनों तो बेचारे अरे क्या कर रहा है यार, इतनी जगह है भैंस की डांग, इतने सारे रस्ते हैं, इसको वही बंदा मिला चढ़ा के निकाल रहा है। बाकी ठीक है, ड्राइवर फ्रैंकलिन बेचारे अभी भी दोनों छुपे हैं क्योंकि उनके पास गन्स नहीं है, उन्हें डर है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ ना ले। बाकी ठीक है, दरवाजा खोलते हैं, इन दोनों कार्स को छुपा कर कहीं पर वेट करते हैं ड्राइवर फ्रैंकलिन के आने का। उनको बोल दिया वैसे मैंने क्योंकि पूरी फैसिलिटी खाली है, इस टाइम वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल सकते हैं। लेट्स गो, यहाँ पर वेट करते हैं फिर एक साथ चलेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल हम दोनों लोग तो यहाँ से भागने के लिए रेडी हैं, बट पता नहीं है ट्रेवर और फ्रैंकलिन कहाँ पर रह गए हैं भाई, इनको उसी टाइम गाड़ी निकाल लेनी चाहिए थी। बट एक सेकेंड, ये पुलिस के सायरन का आवाज़ हमारे लिए आ रहा है क्या भाई? वेट, ओ वेट, वो दोनों लोग तो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ चुके हैं, फटाफट से शायद हमें भागना होगा क्योंकि इन मर्सिडीज वालों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया है कि इनके पास से गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है। और भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये फ्रैंकलिन अलग ही ड्राइवर है भाई सचमुच में। बाकी ठीक है, हम लोग फटाफट से ना गाड़ी को लेकर यहाँ से भागते हैं क्योंकि पुलिस वाले सामने आ चुके हैं बुरी तरह, तो गाड़ियों को आराम से निकालना है। मैं तो जाने वाला हूँ सीधा अपने बॉडी गार्ड के पीछे पीछे क्योंकि उसकी ड्राइविंग और मेरी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। लेट्स गो, आई थिंक हमें ना यहाँ से यू टर्न मार के सिटी के लिए चलना चाहिए, वो वाला रास्ता ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी गाइस देखो स्पीड की तो हमें बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी क्योंकि इस टाइम पर भले ही हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है बट हम लोग हैं हाईवे पे, कितनी भी स्पीड पे मैं गाड़ी को चला सकता हूँ। ये देखो अपनी ग्रे वाली कार चला रही है भाई फुल स्पीड में, पीछे दोनों कार्स आ रही हैं। थोड़ा बहुत मुझे ओवरटेकिंग में ध्यान देना क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड में बीच में पुलिस वाले हो सकते हैं, हल्की सी टक्कर मार दी और उसने गाड़ी के साइड में। भाई देखो इस टाइम ना सीन कुछ ऐसा है कि हम चारों लोग ना पुलिस वालों से बचने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिछड़ चुके हैं और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि पुलिस वालों का हमारे आसपास भी आना बस की बात नहीं है। गाइस यार सचमुच में इस गाड़ी को ना चुराना इतना मुश्किल नहीं था जितना इस गाड़ी को चलाना मुश्किल है, मतलब इतने कम टाइम में ये गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है और फिर कुछ ही देर में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बाकी हाँ पुलिस वाले तो हमारा पीछा नहीं कर पा रहे, बट हम लोग भी यार गाड़ी को कितनी देर तक इस तरीके से लेकर भागते रहेंगे, ऐसे चलते रहे तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है कुछ इस टाइप की सिचुएशंस में। अभी तो मैं बच गया भाई सही में, वरना गाड़ी पलट के सीधा ब्रिज से नीचे जा सकती थी या फिर उधर उधर कहीं जाके भिड़ जाती। बट ठीक है यार, लेस्टर को मैंने फ़ोन कर दिया, वो कह रहा है कि बस 5 मिनट में हमें कॉल बैक करके बता रहा है कि हमें पुलिस वालों से बचने के लिए क्या करना होगा। बट हाँ उसका प्लान यही है कि मैं सबसे पहले चारों हम लोग बिछड़ चुके हैं, हम चारों को ना आपस में मिलना होगा वरना वो काम नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, तो भी फिलहाल हम चारों लोग अपनी गाड़ी भगाते हुए एक साथ मिल चुके हैं, बट पुलिस वालों ने अभी तक हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा है। भाई साहब ये लोग इतनी बुरी तरह हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं ना, खैर ठीक है अभी इनका ना ज़्यादा नहीं चलने वाला क्योंकि अपने सारे ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और साथ ही हमने लेस्टर के साथ भी मिलकर एक प्लान बना लिया है इन सबसे एस्केप करने का। एक टनल है जिस टनल के अंदर हमें 2 ट्रक लेने के लिए आ रहे हैं, उस टनल में हम लोग चुपचाप से एंट्री करेंगे और जल्दी से अपनी चारों गाड़ियों को ट्रक के अंदर छुपा के वहाँ से भाग जाएंगे। बट वेट, ये पुलिस वाला तो गया भाई, अपना बॉडीगार्ड देखो भाई उसकी गाड़ी को कैसे टक्कर मारा, और ये लो भाई उसकी गाड़ी को पलट के साइड ही फेंक दिया है।
बाकी हाँ यार, मैं अगर सबसे पीछे रहूँगा ना तो हो सकता है पुलिस वाले मुझे लपेट दें, इसलिए मुझे सबसे आगे रहना जरूरी है। सबसे आगे इस टाइम पर चल रहा है फ्रैंकलिन ग्रीन कार में, फिर ड्राइवर, फिर अपना ये बॉडीगार्ड। बाकी ये देखो एक पुलिस वाले की कार और आ गई है, और ये मेरे को गोलियां मार रहा है इतने बंदों को छोड़कर, बट ठीक है। यहाँ पर अपना बॉडीगार्ड, इसको भी भाई नेक्स्ट लेवल टक्कर मार दी, और वो जाके बिड़ा सीधा पेट्रोल पंप वाली कार में, बट अपनी कार नहीं 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 अपनी कार भी भाई पलट गई थी और थोड़ी बहुत टूट चुकी है, बट सही बात है ज़्यादा डैमेज नहीं आया भाई, गाड़ी काफ़ी मजबूत है यार मर्सिडीज़ की। बाकी मेरे को थोड़ा बहुत बच के निकलना है, लेफ्ट इन लोग के साथ ही जाना है भाई, मैं अलग नहीं जाने वाला, क्योंकि जो ट्रक है मैं लेने के लिए आ रहा है उस ट्रक का पूरा रास्ता याद है फ्रैंकलिन को, तो मुझे उसके एकदम पीछे। क्या ये वाला ट्रक है क्या? लग तो नहीं रहा देखने में, ये ट्रक अलग ही है। बाकी ठीक है, सामने एक हेलीकॉप्टर आ चुका, वो भिड़ेगा। ये हेलीकॉप्टर का कितना तगड़ा बंद है, पर ही वेट कर रहा था। बट वेट, सामने वो जो दो ट्रक हैं जो हमें लेने के लिए आए हैं लेस्टर की तरफ से, उन दोनों ट्रक को मैंने देख लिया है। तीनों गाड़ियाँ अंदर चली गई, बस मेरी बारी है भाई। इन तीनों में तो तगड़ी स्किल थी, मेरे को एकदम आराम से गाड़ी को अंदर एंटर कराना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट। गाड़ी एंटर हो चुकी है और अभी हम लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हैं, अगर पीछे किसी पुलिस वाले ने ना देखा हो तो। हेलीकॉप्टर वेट कर रहा था, बट हेलीकॉप्टर को ट्रक के ऊपर बिल्कुल शक नहीं गया। वो लोग कह रहे हैं कि टनल्स में वो लोग गए, बाहर नहीं निकले, टनल को बंद कर दो और ढूंढो। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल ये जो ट्रक्स हैं ये लेस्टर ने किसी सीक्रेट लोकेशन पर भिजवा दिए हैं गाड़ी छुपाने के लिए। बट अभी हम तीनों लोग अपने कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं, एकदम हम नॉर्मल रूप में नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं जीने के लिए। फिलहाल अभी हमें जाना है अपने घर पे, क्योंकि लेस्टर हमारा वहां पर वेट कर रहा है कुछ आगे की प्लानिंग्स के लिए, कुछ चोरी का प्लान है, बट शायद ट्रेवर और फ्रैंकलिन इन सब में नहीं घुसना चाहते। बाकी ठीक है यार, गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी अपना फ्रैंकलिन चला रहा है। फटाफट से पहुंचते हैं माइकल के घर पे और देखते हैं कि आखिरकार लेस्टर ने हमारे लिए क्या प्लान बना रखा है। लेट्स गो। फिलहाल अभी गाड़ी चलाते हुए फ्रैंकलिन हमें लेकर पहुंच चुका है माइकल के घर पे, देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है, लेस्टर यहाँ पर पहुंचा हुआ है या फिर नहीं। बाकी हाँ यार, जो भी है, ये जो गाड़ियों की चोरी हमने करी है ये अभी तक की सबसे बड़ी चोरी आप लोग कह सकते हो, क्योंकि कार बहुत ज्यादा रेयर है, अभी कहाँ बिकेगी, कौन खरीदेगा, वो सब डिपेंड करता है लेस्टर पे। बाकी यहाँ पर ये दोनों लोग इस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान है, ट्रेवर और फ्रैंकलिन, क्योंकि अभी लेस्टर और माइकल के साथ इन फ्यूचर में कभी वर्क नहीं करना चाहते, और ये मतलब पूरी दोस्ती खत्म करना चाहते हैं। बट लेस्टर के पास हमेशा कोई ना कोई चोरी के नए नए प्लान्स रहते हैं, तो माइकल तो दोस्त है, बट ये दोनों को शायद लेस्टर नहीं पसंद। तो अभी सबकी लड़ाई हो चुकी है भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते। And realize what's done is done. Whatever you say. भाई ट्रेवर तो फुल गुस्से में आ चुका है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पर ये एक दूसरे को बस मारने डाले भाई। लेस्टर ने आके लड़ाई छुड़वा दी है, बट ट्रेवर गुस्सा होके जा चुका है भाई। और फ्रैंकलिन भी थोड़ा अभी ट्रेवर की साइड ही है, मतलब ग्रुप बढ़ चुका है गाइस यहाँ पर। अभी ट्रेवर और फ्रैंकलिन अलग हो चुके हैं, लेस्टर और माइकल अलग हो चुके हैं, उन दोनों में थोड़ा पावर्स है और इन दोनों में दिमाग है। Oh, you and Lester together? Oh, now that makes fucking sense. Oh, for fuck's sake, man. You all are assholes. Man, I gotta go calm down. भाई फ्रैंकलिन तो कह रहा है तुम तीनों ही खराब हो, तो वो अपना अलग जा रहा है, ट्रेवर अलग जा रहा है, लड़ाई हो गई भाई ग्रुप में। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको GTA 5 का ये न्यू गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि ये जो चार गाड़ियां हम लोग लेकर आए हैं, क्या इसे हमें जल्दी से बेच देना चाहिए या फिर एकदम सोच समझ के बहुत ज़्यादा पैसों में बेचना चाहिए, जैसे लिबर्टी सिटी जाके या फिर दुबई या किसी महंगी सिटी में जाकर, क्योंकि वहाँ पर इस गाड़ी को हम लोग बहुत महंगा बेच सकते हैं इन चारों गाड़ियों को। फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए छुपा के रखना होगा ताकि किसी को पता ना चले। बाकी हाँ यार, सब कुछ एकदम मस्त है, आप लोग कॉमेंट्स करो अच्छे अच्छे, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं अभी 8 दिनों के लिए जा रहा हूँ इंडिया से बाहर,
मैं पहले जाऊंगा लंदन, फिर जाऊंगा सिंगापुर, तो सारे अपडेट, सारी स्टोरीज वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे मिलने वाली है। तो जाओ फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, @ujjwalgamer आप सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। और मैं प्लान करूंगा कुछ व्लॉग वगैरह शूट करने का, एंड शायद मैंने काफ़ी अपडेट दे दिए इस वीडियो में। तो जाओ यार, लाइक गोल इस वीडियो पर है 1.2 मिलियन लाइक्स का, इसे कंप्लीट कर दो, मेरी ट्रिप मस्त हो जाएगी और आपका दिन मस्त हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा जल्दी डालने का। बाकी बहुत बातें होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।